कपास आप यवतमाल जाए तो सोयाबीन या कपास की चिंता है, अगर आप वेस्टर्न महाराष्ट्र में जाए, नासिक में जाए, बुलढाणा जाए, जलगांव जाए, वहाँ सब प्याज का किसान दिक्कत में आए हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ ये इम्पैक्ट ज़रूर है कि बारिश और ओलों के कारण दूध को भाव नहीं मिल रहा है सर, तो सारे जो किसान हैं महाराष्ट्र में बहुत दिक्कत में है। तो हमारी मांग है कि महाराष्ट्र की सरकार ने लिखा भी है शायद केंद्र सरकार को, लेकिन यहाँ से टीम जल्द से जल्द महाराष्ट्र जाए और महाराष्ट्र को मदद करे और सारे जो महाराष्ट्र की मेहनत करने वाले किसान हैं उन सब का पूरा ऋण माफ हो, उनको कर्ज माफ़ी मिले। महाराष्ट्र के हर किसान जो मेहनत करने वाला है उसको अभी बैंक से भी मेहनत पैसे की ज़रूरत है, सरकार ने भी मदद करनी चाहिए और क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है इसमें हम सब ने मिलने काम करना पड़ेगा। थैंक यू। आइटम नंबर 7, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले जी। थैंक यू सर। जिस राज्य से मैं आती हूँ महाराष्ट्र और मेरे निर्वाचन क्षेत्र बारामती, वहाँ किसान बहुत दिक्कत में आए हुए हैं सर। बहुत सारे बारामती के जिले ऐसे हैं जहाँ ओले पड़े हैं और ऐसी जगह हैं जहाँ बिल्कुल बारिश इस साल हुई नहीं है और वहाँ सूखा पड़ा हुआ है, तो पूरा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। एक जगह बहुत ये पूरा इम्पैक्ट जो क्लाइमेट चेंज का हो रहा है इसके कारण किसान बहुत दिक्कत में आए, भले अंगूर हो, प्याज हो, केला हो, गेहूँ हो, धान हो, कपास हो, कोई भी सब्जी हो या सोयाबीन कपास। आप यवतमाल जाए तो सोयाबीन या कपास की चिंता है, अगर आप वेस्टर्न महाराष्ट्र में जाए, नासिक में जाए, बुलढाणा जाए, जलगांव जाए, वहाँ सब प्याज का किसान दिक्कत में आए हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ ये इम्पैक्ट ज़रूर है कि बारिश और ओलों के कारण, नहीं तो सूखे के कारण, और दूसरी जगह दूध को भाव नहीं मिल रहा है सर, तो सारे जो किसान हैं महाराष्ट्र में बहुत दिक्कत में है। तो हमारी मांग है कि महाराष्ट्र की सरकार ने लिखा भी है शायद केंद्र सरकार को, लेकिन यहाँ से टीम जल्द से जल्द महाराष्ट्र जाए और महाराष्ट्र को मदद करे और सारे जो महाराष्ट्र की मेहनत करने वाले किसान हैं उन सब का पूरा ऋण माफ हो, उनको कर्ज माफ़ी मिले और उनको पूरा जो नया कर्जा मिले उसके लिए ये पूरा क्लाइमेट चेंज का मैनेजमेंट करके, एक्सपर्टीज करके, आगे की किसान कैसा काम करे इसके भी बड़ा इंटरवेंशन केंद्र सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र के हर किसान जो मेहनत करने वाला है उसको अभी बैंक से भी मेहनत पैसे की ज़रूरत है, सरकार ने भी मदद करनी चाहिए और क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है इसमें हम सब ने मिलने काम करना पड़ेगा, नहीं तो जो किसान भले कोविड में हो या कुछ भी जब दिक्कत आती है तो वो उसके लिए कोई ना लॉकडाउन होता है ना उसके सुख दुख में कोई होता है। तो मेरी केंद्र सरकार से विनती है कि महाराष्ट्र के सारे किसानों का पूरा कर्जा माफ़ करें। बहुत बहुत धन्यवाद।